हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वन से टेन तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक अक्सर सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सरसाइज सीखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जहां भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग वन वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप वन से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा, कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की जो एक्सेल की क्लास है उसमें हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 5। ये जो एक्सरसाइज 5 है इसका आप डेटा ध्यान से देखिए। ये डेटा हमने एक ऐसी रेंज करके बनाया है जिसमें ये हेडिंग हमने डाली हुई है, और इसमें जो ये मेन हेडिंग है उसके बाद जो ये हेडिंग है कॉलम्स की, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई डेटा होना चाहिए ताकि हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करें। कोई बेस होगा हमारे पास, उन्हीं पे तो हम वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसी रफली किसी भी डेटा को उठा के प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें थोड़े टाइम बाद हो सकता है भूल भी जाए, ध्यान ना रहे। और प्रैक्टिस तो मस्ट है ही, एक्सेल में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। इसके हम जो ये 10 क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन वाले जो आपका बॉक्स है वो कंप्लीट करने हैं, किस तरीके से करना है वो आगे हम बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज सेट कॉलम विथ अप्रोप्रिएटली यूज डबल क्लिक इन बिटवीन ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम्स की जो हमारी इधर उधर हो रखी है तो हम यहाँ पे ए और बी के बीच में डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए थोड़ा जो हाइट डेटा था वो आपका शो हो गया, यानी बहुत टचिंग में है तो वो भी अलग थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हो जाता है। एक्चुअली ये ऊपर से नीचे तक का पूरा कॉलम पिक करता है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है तो इस कॉलम को बहुत बड़ा कर देगा। नीचे का मैटर भी डिपेंड करता है। ये वाला पूरा मैंने मर्ज किया, ये बी कॉलम से है तो अगर मैं बी को करती हूँ तो बी यहाँ तो कैच कर गया, अदरवाइज डायरेक्टली अगर होता है तो बी को वो इतने कॉलम तक फैच करता है। ये सी और डी के बीच में सब पर ऐसे डबल क्लिक करिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपको एक मिनट, जूम इन ऑन नहीं, हमारा जूम इन ऑन कर लिया हमने, अभी ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक, ये डबल क्लिक। ठीक है, ये देखिए ये मिड में रखेंगे तो ये डबल एरो बनता है ऐसा, यहाँ पे डाउन एरो आ गया। ठीक है, और ये ऐसे डबल एरो, जैसे ही आपका बनेगा तो आपको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने से आपका ये इस टाइप से शो कर देगा। ठीक है, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है सेट द सेल रेंज A16 और A11 को हम ड्रैगिंग के थ्रू यूज़ करेंगे। ये हर टेबल में हम छोड़ देते हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये ऐसे लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये 120 और 150 के बीच में जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आगे तक आपका इंक्रीमेंट में शो कर देगा। ठीक है, ये देखिए 30-30 का डिफरेंस सब में शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करेगा जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं बॉक्सेस में। किसका? ये कमीशन वाले का, सेल्स इनटू कमीशन रेट। हमें कमीशन ये वाला निकालना है तो ये सेल और इसको कमीशन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला कभी भी आप ट्राई करते हैं कुछ भी लगाते तो इज इक्वल टू जरूर लगाइए। सेल्स और मल्टीप्लाई होता है स्टार, इसमें जो दिया होता है स्टार आपका नंबर पैड में भी होता है, और ये जो आपका 8 के ऊपर है उसको यूज़ करेंगे तो शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं।
क्लिक किया एंटर, ये देखिए आपका वैल्यू निकल कर आ गया। इसको हम ड्रैग कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, ये आपका हाइड हो रखा है, इसमें मैं इसको थोड़ी सेटिंग लेफ्ट कर देती हूँ, रीडेबल हो जाए। ये देखिए नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड बोनस इफ़ सेल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 लैक्स एंड देन बोनस इज 0.5%, अदरवाइज इसमें मैंशन नहीं है, इसको भी हम आपको शो करके दिखा देते हैं। अदरवाइज बोनस इज, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा प्रिंट के पर्पज़ के लिए ना ये इसको ऐसे शो इजी रहो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि आपका जो बोनस है वो निकालना है अगर सेल के बेस पर, सेल है ये वाला कॉलम हमारा, ये निकलेगा जी वाला। ये देखिए कैसे एक तरीका है कि आपको फॉर्मूला जो है किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये नहीं कि आपकी कंपनी में बोनस बोला गया है किसी और के बेस पर निकालना, आप सेल के बेस पर भी निकाल रहे हो सकता है कि वहाँ पर अदर कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट ये प्रोसेस सीख लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। हम इक्वल टू लगाते हैं, इफ़ क्वेश्चन था हमारा कि जो भी सेल है, सेल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख, ठीक है, हमने 5 लाख लिख दिया, तो क्या होगा अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका मल्टीप्लाई बाय 0.5%, 0.5 ये 0.5 है, हाँ 0.5 है, ठीक है, 0.5 लिखिए या 0.5 लिखिए, मुझे लगा 0.05 तो नहीं है इसलिए हमने देखा, अदरवाइज ज़ीरो। देखिए न्यूमेरिक डेटा जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ये जो डबल क्यूट्स होता है ऐसा वाला, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा जूम इन करती हूँ मैं फार्मूले को, ये देखिए ये D6 ग्रेटर देन 5 लैक्स है तो ये आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये वाला दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो आंसर है कैलकुलेट नहीं होके निकलेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन में क्या किया, अगर ये ग्रेटर देन 5 लैक है इसका मल्टीप्लाई किया उसने, 0.5% निकाला है, ठीक है, तब आपका ये आंसर शो कर गया। अब इसको हम ट्रैक करते हैं, जहाँ जहाँ पर ज़ीरो है इट मीन्स वो 5 लाख से कम है, इसीलिए उसको कोई भी बोनस नहीं दिया गया है, और बोनस भी कैलकुलेट करके दिखा रहा है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ये आपका सिंपल टोटल आ रहा है, शो कर रहा है सिक्स क्वेश्चन में, कमीशन और बोनस को ले लेते हैं, इसका और इसका टोटल, ये तो आपको बताया है वो सिंपल है, एक तो प्रोसेस है सिंपल, प्लस कर दो अगर छोटा सा डेटा है, अदरवाइज वो जो सम का फॉर्मूला है वो भी आप लगा सकते हैं, ऑल्ट इक्वल टू कर सकते हैं, बट ऑल्ट इक्वल टू में पूरा डेटा उठाता है, पीछे तक का जो भी टचिंग में होता है आप ऐसे ड्रैगिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी आप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं किसी, मतलब कोई भी फॉर्मूले का जो भी आपको बेस्ट लगता है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 में आपको शो करना है कि ई में परसेंटेज विद 1 डेसिमल प्लेस, ई कौन सा कॉलम है हमारा, दिस वन, ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, पहले मैं इसको हटा के आपको दिखाती हूँ। इसको हम होम में जर्नल करते हैं, यहाँ से आप हटाते हैं इसको, ये देखिए ऐसा डेटा है आपका, इसको परसेंटेज में क्लिक करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज का जो आपका साइन है इस पर क्लिक करिए, ये देखिए आपका शो कर गया, बट यहाँ जो शो बोला है 1 पॉइंट, यानी कि 0 इंक्रीमेंट यहाँ से होता है ये, ठीक है, ये देखिए 4.0, 3.0 ऐसे, तो ये आपका आउटपुट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेट एच को डॉलर में कन्वर्ट करना है और 3 डेसिमल तक का हमें वैल्यू चाहिए, एच वन इज दिस लास्ट वन, ठीक है, इसको डॉलर में चाहे तो रुपीस में भी कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है दिस वन, ये देखिए रुपीज़, इंडियन रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, कुछ भी मैं रुपीज़ में करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, और 2 डेसिमल प्लेस आ रहा है, आपको जो पॉइंट चाहिए वो 3 पॉइंट तक चाहिए, तो यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, इस टाइप से डॉलर में चाहते हैं डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये भी इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसमें कर सकते हैं, बस वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंगली करना है। मेक ए बबल चार्ट बाय यूजिंग नेम सेल्स कमीशन रेट, देखिए नेम आपका है यहाँ पर, सेल्स यहाँ है और कमीशन रेट यहाँ है, तो तीनों कॉलम जो है
ये दो तो साथ में है कंटिन्यूटी में, ये अलग है आपका। तो ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर हम कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, ये तो नॉर्मली ऐसे सिलेक्शन आ गया, बट मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, या तो इसको हाइड करना पड़ेगा हमें, लेकिन फिर भी वो कैचिंग तो कर लेता है। तो इट्स बेटर आप पहले फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है, पहले कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को सेलेक्ट करके कोई भी चार्ट बनाना है। इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में यहाँ पर बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं, ये देखिए डिज़ाइंस यहाँ पर बाहर बहुत सारे, इसके अंदर जाएंगे और भी आपको प्रॉपरली सारे चार्ट्स मिलेंगे। ऑल चार्ट्स पे जाते हैं हम, यहाँ पे हमें शो करते हैं सारे चार्ट्स इतने दिए। तो जो हमें चार्ट चाहिए बबल चार्ट है वो, ठीक है, बबल चार्ट आपको इस वाले में मिलेगा। ये यहाँ नाम से मेंशन नहीं है, ये हम देखते हैं इसमें इस टाइप से, ये रहा 3D बबल, ये बबल चार्ट। ठीक है, तो हमें तो पता है कि इसके अंदर जाके होता है, बट आप थोड़ा सा इनको डीपली स्टडी कर लेंगे तो हर एक चार्ट का आपको नाम भी मेंशन हो जाएगा। हम 3D ले लेते हैं इसको, फिर हमने ओके किया। ये देखिए, इसको मैं जूम आउट करती हूँ, ये आपका जो चार्ट क्रिएट होके निकला है वो इस टाइप से, हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ये देखिए ये बबल चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके बहुत सारे हैं, कॉलम चार्ट्स हैं, ठीक है, पाई चार्ट है, इन सब के आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में तो आपको किस फॉर्मेट में आपको चार्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करने हैं, ताकि जो सामने समझने वाला है उसको अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके वो चीज़ें। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा शो कर रहा है ये आपका चार्ट का शो कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो पॉइंट्स में जा रहा है ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं जस्ट क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड, जैसे फिल कलर वगैरह शेड करना है, ठीक है, और भी कोई चेंजेस करने हैं, ये सारे इसमें से चेंजेस हो जाएंगे। तो आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं एंड कलर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसका बेस कलर है वो चेंज करना है, वो भी कर सकते हैं, ये देखिए लाइक दैट। ओके, तो ये आपका हो गया बबल चार्ट। लास्ट इज़ द सेंटर द वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ये ऑलरेडी, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस शीट है तो हो तो नहीं रखी है, उसको पहले हम हटा देते हैं चीज़ों को, फिर आपको समझाएंगे। देखिए कंट्रोल F2 करने से आपको पता चलता है कि टेबल का प्रिंट कैसे हो के आएगा, या लेफ्ट का, टॉप का, बॉटम का, राइट का स्पेसिंग शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल सेंटर में शो करना है, ठीक है, प्रिंट होने से पहले, तो पेज सेटअप में जाइए, यहाँ बॉटम में पेज सेटअप होता है, कंट्रोल F2 प्रेस करने के बाद, कंट्रोल F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर होता है मार्जिन, मार्जिन में होता है हॉरिजॉन्टली, और ये यहाँ पर देखिए चेंजेस भी दिखा रहा है, मैं अनटिक करती हूँ, ये देखिए, और वर्टिकुलरली ये शो कर गया, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, देन ओके। और अब इसको वापस हम शो करते हैं, देखिए सेंटर में आ गया, जो भी इसका वेट होगी पूरे डेटा की और जो भी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली सेंटर लेता है। आप बोलेंगे इसको सेंटर ने लिया, एग्जैक्टली वो यहाँ से मैच कर रहा है मैक्सिमम से, ठीक है, इसी तरीके से ये शो कर रहा है। एस्केप करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका पूरा डेटा हमने कवर कर दिया है, और जैसे सेटिंग वगैरह तो आप पीछे की शीट में बता ही दिया था, कलर करना, बेस कलर करना, ये छोटे मोटे चेंजेस आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन होता है फार्मूला सीख रहे हैं, फार्मूला सीखेंगे तो आप डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट जो भी शीट्स होंगी आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप इसको खुद से निकालिए, सम आपको बताया हुआ है हमने, हाईएस्ट में आपका मैक्सिमम वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ और लोएस्ट में मिनिमम वाला, ऑलमोस्ट हर शीट्स में हमने स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है ताकि इसके प्रैक्टिस कर सके। तो ये वर्क आपका है कि आप खुद से करेंगे और करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इसकी प्रैक्टिस कितने अच्छे से की है, कोई डाउट हो तो आप मुझे लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।